बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। थंबनेल देख के आपको इस चीज़ का आइडिया होगा मैं बात करने जा रहा हूँ। समझ लें, दो खुशखबरियाँ आपको देने जा रहा हूँ। अगर तो आपने 9th, 10th या 1st ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं तो ये न्यूज़ भी आपके लिए है, और अगर आपकी शॉप बंद है तो ये भी न्यूज़ आपके लिए है। क्योंकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसी वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना है। आपकी शॉप बंद, कारोबार बंद, मुल्क ही बंद। तो आज मैं इन दोनों टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर आपने भी इम्तहान देने थे या दिए थे तो आपको बताने जा रहा हूँ हुकूमत ने आपको प्रमोट कर दिया है। लास्ट टाइम जो सा आपका रिजल्ट था उसकी बेस के ऊपर वो कैलकुलेशन करेंगे। वो इसमें 9th आती है 10th 1st ईयर और सेकेंड ईयर, इनके सब के लिए क्राइटेरिया सेम रखा गया है। तो इसी तरह आप दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। पॉसिबल हुआ तो ये मैं साथ स्क्रीन पे दिखा दूंगा। शफकत महमूद जो के वजीर तालीम है, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने बयान दिया है कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। ये फेक न्यूज़ नहीं है, आपको मैं ये स्क्रीन शॉट में दिखा रहा हूँ, वहाँ पर भी लिखा आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि अब जिन्होंने पेपर देने थे नहीं दे सके, वो डायरेक्ट दूसरी क्लास में प्रमोट हो। और सेकेंडली पूरे पाकिस्तान का बंद था तो उसमें बात करने जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म का अपना बयान दिया कि हम नरमी करने जा रहे हैं, हम अपना मुल्क खोलने जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ये मिलता है कि अब हमारे मुल्क में हालात अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ गामजन है, यानी कि हमारा मुल्क अब कोरोना वायरस की लिमिट से दूर हो रहा है। उन्होंने कह दिया हफ्ता को इतवार पूरे मुल्क में कारोबार नहीं हुआ करे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कारोबार खुलने की इजाज़त दी है तो रूल को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। तो ये अपडेट मेरे तक पहुँची, मैंने क्यों नहीं सोचा, मैंने कहा भाइयों तक पहुँचा। तो यार मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस चैनल पर अर्निंग से रिलेटेड, पीटीसी से रिलेटेड, न्यू एस से रिलेटेड और हुकूमत लेवल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो मिलेंगे कुछ ऐसे ही वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।